बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में तबादलों पर रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर नहीं होंगे तबादले, विशेष परिस्थितियों में ही सीएम तबादले करेंगे। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर तबादले नहीं होंगे, विशेष परिस्थितियों में ही सीएम तबादले करेंगे। मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर तबादले नहीं होंगे, कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। हमारे साथ शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, क्या पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर? तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी आज कार्मिक विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। और इसमें खासतौर पर जो ट्रांसफर बैन है, हालांकि हर साल जो है समय समय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है ट्रांसफर पर, और उसमें जो मंत्री विभागों के प्रमुख वो ट्रांसफर करते हैं, सचिव स्तर के अधिकारी ट्रांसफर करते हैं, उसको एक रूटीन प्रोसेस में ये ट्रांसफर होती है। लेकिन अभी क्योंकि जो यहाँ पर देखने को मिला कि सारा कामकाज ट्रांसफर के आसपास ही हो रहा था, और डीओ नोट मंत्रियों विधायकों के और बाकी जो डीओ नोट है वो यहाँ पर पहुंच रहे थे, तो काम का बोझ भी यहाँ पर बढ़ रहा था, और जो कर्मचारी हैं वो भी ज्यादातर सचिवालय के ही चक्कर काट रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए ये तय किया गया है कि अब विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री केवल ट्रांसफर कर सकेंगे, और वो भी जो ट्राइबल एरिया है, हार्ड एरिया है, जहाँ पर खाली पद हैं, वहाँ के लिए कोई ट्रांसफर करनी है उस स्थिति में, या कोई नई रिक्रूटमेंट हुई है उस स्थिति में कोई ट्रांसफर का केस बनता है, तो तब जाकर ही ट्रांसफर हो पाएगी। अन्यथा जो रूटीन ट्रांसफर होती थी उस पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है अगले आदेशों तक। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी के लिए।